अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि MGHS व्हीकल है, और अगर हम अपना मोबाइल ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना चाहें तो हम अपने सॉन्ग्स को कैसे प्ले कर सकते हैं। बाज़ोकात कस्टमर्स ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं HS गाड़ी के साथ, बट वो ये नहीं उन्हें पता है कि सॉन्ग्स कैसे प्ले होंगे, साउंड कैसे हमारा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सुन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम सेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ब्लूटूथ का, यहाँ पे आप ब्लूटूथ को कर देते हैं ऑन। जैसे ही ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन हो जाता है तो आप मोबाइल पे पेयर करते हैं तो ये MGBT DOD 5K हिंट से आपका वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो आप उसे पेयर करके जब कनेक्ट कर लेते हैं तो ये ब्लूटूथ का जो साइन है ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इट्स मीन जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लूटूथ कनेक्टेड हो चुका है MGHS व्हीकल के साथ। तो आप क्या करते हैं, फिर यहाँ से होम बटन को पुश करते हैं, डायरेक्ट बैक होम पे जाते हैं, देन ये FM वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एफएम वाले ऑप्शन पे जाके आप अब ये देखिए, यहाँ पे AM है, यहाँ पे AFM, यहाँ AM और यहाँ पे म्यूजिक। जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं तो आप ये म्यूजिक का ऑप्शन है ये ब्राइट हो जाएगा, जैसे कि अभी AM का है। तो आप ब्लू म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन जो आप कोई भी सॉन्ग चलाएंगे उसके ऑप्शंस, उसके मेन्यूज सारे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तब आपका सॉन्ग आप सुन पाएंगे। तो ये तरीकेकार है ब्लूटूथ को कनेक्ट करके अपना रिक्वायरमेंट सॉन्ग कैसे सुना जाए MGHS में। अलावा अजी अगर बात करूं तो कस्टमर्स कुछ चाहते हैं कि हम अपनी अच्छी एवरेज कैसे फाइंड कर सकें, कैसे अच्छी एवरेज लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करने के साथ साथ गाड़ी को इको मोड पे चलाएं। यहाँ पे सेंटर कंसोल में दिया गया है मूड का बटन, मूड के बटन को आप जैसे ही पुश करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे भी मेन्यूज आ जाते हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और कस्टम ऑप्शन मूड्स के। तो आप यहाँ से इको का सिलेक्ट करेंगे मूड, जिसमें आपकी फ्यूल इकोनॉमी है जो बेस्ट होगी। यहाँ पे भी आपको मेंशन हो गया पार्किंग के साथ कि आपकी गाड़ी का मूड इको है। इको मोड पे ये है कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल एवरेज जो है आपको बेस्ट मिलती है। फ्यूल एवरेज भी आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एरो कीज लेफ्ट राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, जस्ट यू हैव टू पुश डाउन। जैसे ही आप डाउन का बटन पुश करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज भी शो होगी। सबसे पहले तो ये किलोमीटर आपको बताएगा कि कितने किलोमीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसके साथ आपको कितने टाइम में, लेट्स सपोज ये कितनी स्पीड पे गई है, और यहाँ पे आपकी एक्चुअल एवरेज बताएगी। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आ जाती है 10 point something, अगर 10 यहाँ पे लिखा आता है तो आपको क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 10 पे। तो अगर आंसर जब 10 आता है तो इट्स मीन कि आपकी फ्यूल एवरेज पर लीटर जो है वो 10 किलोमीटर है। देन यू कैन अंडरस्टैंड इफ देयर विल बी एनी टाइप ऑफ डिजिट्स यू हैव टू डिवाइड ऑन 100, देन यू कैन फाइंड योर एक्चुअल एवरेज।